आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे एक आम इंसान अपने मल्टीपल वेज ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकता है और कितने इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ में वेज क्रिएट करना, तो इसके बारे में बात करूँ। हाँ जी, सलाम अलैकुम व्यूअर, कैसे उम्मीद आप कहते होंगे। मेरा नाम है फहद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस प्रैक्टिस फहद। आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा है चाहे वो यूएस में रह रहा है, कि मल्टीपल वेज ऑफ इनकम क्यों जरूरी है उसकी लाइफ में क्रिएट करने के लिए। आप देखते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ एक ही इनकम पे फोकस है उनका, और जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्रॉब्लम को हैंडल करना। तो इसी सिलसिले में मतलब मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है कि वो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक इनकम पे फोकस किया हुआ था और इसी तरह से उनको आगे प्रॉब्लम हुई। जब इसी हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इधर यूएस में जब शिफ्ट किया मैंने इधर, तो यहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस हर हालत में करने ही करने। अब जैसे कि आप कोई, अगर सबसे पहले तो रेजिडेंस है, अगर आप घर ले रहे हैं और घर या तो आप मॉर्गेज पे होगा या आप रेंट पे रह रहे होंगे, मोस्टली मतलब 70% जो पीपल हैं उनके साथ यही हाल है। तो उसमें आप देखें कि एक 3 बेडरूम का घर जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे रेंट वगैरह 2200 से लेकर $2600 पर मंथ है, और बहुत मुश्किल हो जाती है उन लोगों के लिए जो लोग मिनिमम लेवल की जॉब कर रहे हैं और फिर निकालना उस लिहाज से। तो लोगों को, और ये भी मैंने सिर्फ आपको रेंट बताया, या तो फिर मॉर्गेज भी आपकी देखें $2000 पे जाती है मॉर्गेज भी मंथली, उसके अलावा और एक्सपेंसेस कर करा के, मतलब एक मिनिमम जो हाउस होल्ड इनकम है जो एक्सपेंस बनता है वो $3500 to $4000 बनता है। अब इस हवाले से अगर यहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ है, जो मतलब मैं खुद भी इस चीज पे चल रहा हूँ कि आपकी जॉब ठीक है, अच्छी बात है, जॉब होनी चाहिए, जॉब के साथ साथ डिफरेंट वेज ऑफ इनकम भी लोगों ने क्रिएट किए हैं। और ये डिफरेंट वेज ऑफ इनकम कैसे हैं, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, कोई अमेजोन पे, कोई फ्रीलांसिंग दे रहा है, कोई कंसल्टिंग कर रहा है, और इसी तरह से डिफरेंट मतलब वेज लोगों ने क्रिएट किए हैं। वो क्यों क्रिएट किए हैं, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने प्रेशर एक ऐसा डाला हुआ है, मतलब इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ करके आपने कुछ करना है ताकि घर के खर्चे मिलो। अब जबकि ये है कि पाकिस्तान में मैंने मतलब हमें वो एटीट्यूड लेकर आना है कि जब तक हम मल्टीपल वेज ऑफ इनकम पे नहीं आएंगे तो हमारी इकोनॉमी इस तरह से स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, और फिर आप जो जो प्रॉब्लम जिंदगी में फेस आएंगी, मतलब कि आपकी जॉब चले गई है या कुछ और हो गया है, तो उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर आपने मल्टीपल वेज ऑफ इनकम इसी तरह से जैसे कि यूएस में या और कंट्रीज में जो लोगों ने किया हुआ है। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि यहाँ पे इवन कोई छोटी सी भी मतलब जॉब कर रहा है ना, साथ उसका मैंने जब ऑब्जर्व किया, किसी ना किसी ने टैक्स को मतलब मेंटेन करने के लिए LLC कंपनी या इनकॉर्पोरेशन कंपनी अपनी खोली वेबसाइट पे, और कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या आप वही कंसल्टिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब जॉब जाती है तो लेकिन साइड जो इनकम उनकी है वो चल रही है, जिससे वो घर के एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंसेस जो जिसको हम किचन मनी कहते हैं कि किचन के एक्सपेंसेस निकल रहे हैं। इससे बेहतर मतलब मैं अगर अपनी एग्जांपल, तो मेरे साथ भी यही हुआ है कुछ 1-2 सालों में कि मैंने जॉब ज्वाइन की, फिर जॉब चले गई किसी ना किसी सिचुएशन में, बल्कि मैं एक एज अ लैब साइंटिस्ट हूँ, तो मेरी अगर जो एजुकेशन है या मेरे जो स्किल सेट है वो पेंडेमिक से जुड़ा हुआ था, तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ जॉबें मैंने एक्सेप्ट की और वो फॉर द टाइम वो चले भी गई, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने ऑन द राइट साइड मतलब एक डिफरेंट वे ऑफ इनकम मैंने साथ साथ बनाए, वैसे कंसल्टिंग की शक्ल में या डिफरेंट और दूसरी। तो अब यह है कि अगर मेरे पास जॉब नहीं भी है तो मुझे इतना है कि मेरे घर के खर्चे चलाने के लिए मेरे पास एक कंसल्टिंग वर्क अवेलेबल है, या मेरे पास और डिफरेंट जो बिजनेस छोटे मोटे